नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक, आप देख रहे हैं आपकी बात। हमारी आज की खास पेशकश है उठी आवाज बस्तर राज। अरसे के बाद बस्तर से पृथक राज्य बनाने की मांग आई है। बस्तर के दो बड़े लीडर्स ने एक स्वर में इस बार अलग राज्य का सुर पकड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले बस्तर के कुछ आदिवासी नेता गाहे बगाहे इस तरह की मांग कर चुके थे। तब यह दलील हुआ करती थी कि दूर दराज का इलाका है और शोषण का शिकार है, इसलिए बस्तर को अलग करना चाहिए एक राज्य के तौर पर। लेकिन अब जबकि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन चुका है तो यह मांग रियलिटी के बनिस्पत पॉलिटिकल गिमिक ज्यादा लगती है। आज का सवाल हमारा यही है कि क्या ऐसी मांग की जरूरत है, क्या ऐसी मांगों की कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, अगर हैं तो वो क्या होंगे। छत्तीसगढ़ से अलगाव की मांग, बस्तर में लामबंद होते आदिवासी, क्यों अलग होना चाहता है बस्तर? अब अंतिम विकल्प है पृथक बस्तर राज्य जिंदाबाद। जगदलपुर से उठा अलग बस्तर राज्य का अलग। 17 साल पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और अब बस्तर के कुछ लोग उसे छत्तीसगढ़ से अलग करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व मंत्री अरविंद नेताम और पूर्व सांसद सोहन पोटाई ने ये मांग उठाई। इन नेताओं ने चेतावनी देने के अंदाज में ये कहा कि 6 माह के अंदर अगर राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर उचित प्रतिक्रिया नहीं दी तो पृथक राज्य के लिए संघर्ष ही अंतिम विकल्प होगा। ये मांग उस मीटिंग के बाद मुखर हुई जो बस्तर संभाग आयुक्त कार्यालय में रखी गई है, जिसमें आदिवासी नेता और अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान आदिवासी नेताओं ने कई मुद्दे उठाए, जिसमें नगरनार स्टील प्लांट में विनिवेश, बंग समुदाय से बढ़ती टकराहट और आदिवासियों के विरुद्ध बढ़ता अत्याचार प्रमुख है। आदिवासी नेताओं ने इन मुद्दों का तुरंत समाधान की मांग की। बैठक के बाद आदिवासी नेता मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने सरकारी मशीनरी पर यह आरोप लगाया कि वो बस्तर में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की हिफाजत करने में नाकाम रही है। 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, वन अधिकार कानून और लैंड रेवेन्यू कोड, जमीन से ज़्यादा मामले हैं। परल कोट जोन में जो स्थिति पैदा हो रही है सेटलर्स बंगाली समाज के बीच में, आदिवासी समाज के बीच में, ये बहुत गंभीर मामला मानते हैं। अगर समय रहते इस परिस्थिति को आप राज्य सरकार और जिला प्रशासन अगर नहीं संभाली तो आगे कुछ भी हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बस्तर के आदिवासी तकलीफ में है ये सब जानते हैं। सब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें इंसाफ मिले, पर अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतनी ताकत है कि वो आदिवासियों की हर समस्या का प्रभावी ढंग से निदान कर सकती है। ऐसे में अगर कोई अलग राज्य की मांग करे तो ये केवल और केवल अवसरवादी राजनीति है, इसीलिए इसे एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जाना चाहिए। बस्तर में पहले से ही ऐसे तत्व सक्रिय रहे हैं जो आदिवासियों को अलग थलग कर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, जो आदिवासियों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना उल्लू सीधा करने की जुगत में हैं। अब जबकि चुनाव सामने है तो आदिवासी सेंटीमेंट को उभार कर मौके का फायदा उठाने की कोशिश शुरू हो गई है। ऐसे में अलग बस्तर राज्य के लिए उठी इस मांग को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके जरिए बंटवारे की सियासत को हवा दी जा रही है। अगर इस हवा से आग भड़की तो पहले ही आहत बस्तर की स्थिति और भी नाजुक हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो साफ तौर पर आज के वक्त में छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बन जाने के इतने सालों के बाद में, जब बस्तर के ऊपर दोनों प्रमुख सियासी दलों का पूरा फोकस रहता है, वहां की सीटें जिसके खाले में जिसके पास जाती हैं उसकी जीत तय हो जाती है, उसका सत्ता में आना तय हो जाता है, क्या ये गिमिक है, क्या इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो आने वाले वक्त में लोगों को परेशान कर सकते हैं, इन सब पर आज बात करेंगे। हमारे साथ में एक पूरा पैनल मौजूद है, सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं BPS नेताम साहब, जो कि आदिवासी नेता हैं और इस मांग के बारे में अपनी राय वो जरूर रखेंगे। सुनील सोनी साहब हैं जो कि बस्तर के प्रभारी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप तीनों का इस चर्चा में हम स्वागत करते हैं। चूंकि सबसे पहले आदिवासियों की बात है, आदिवासियों के हितों की बात करते हुए ये मांग उठाई जा रही है, हमारे साथ नेताम साहब हैं। नेताम जी, आपकी क्या राय है?
क्या पृथक बस्तर राज्य बनना चाहिए, क्या राज्य बनने से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, और जिस वक्त में मांग उठाई जा रही है इसे अवसरवादी राजनीति क्यों ना कहा जाए? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जब पूर्वोत्तर राज्यों में पृथक गोरखालैंड, पृथक बोडोलैंड और इसकी मांग उठ रही है, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की मांग उठ रही है, हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर जो है एक अलग सभ्यता संस्कृति का क्षेत्र है, वहाँ पांचवी अनुसूची लागू है और पांचवी अनुसूची के अंतर्गत एक पेशा कानून होता है जिसमें पंचायतों को स्वायत्तता दी जाती है, प्रशासन और नियंत्रण उनके हाथ में रहता है। ये सारी चीज़ें सब नष्ट हो रहा है, वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, कल्चर सभी पर प्रहार हो रहा है और ये देखने में आ रहा है कि बाहर से आए हुए लोग वहाँ अपनी जड़ें जमा रहे हैं। जिन शरणार्थियों को वहाँ बसाया गया थोड़े समय के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, माने उस समय युद्ध के समय वो लोग यहाँ आकर शरण लिए थे, उनको जमीन दी गई और व्यवसाय किया गया, वहाँ से सब आदिवासियों को भगा दिया गया। तो वहाँ के मूल निवासी बाहर पलायन कर रहे हैं, बाहर के लोग वहाँ अपनी जड़ें जमा रहे हैं, वहाँ के लोग शोषण के शिकार हो रहे हैं। आप अभी तक देख रहे हैं कि किसी भी ओर से हो, चाहे सुरक्षा बल के द्वारा हो चाहे नक्सलियों के द्वारा, आदिवासी ही मारे जा रहे हैं और बाहर से आए हुए लोगों पर कोई घटना नहीं होती। नहीं, लेकिन इसमें दो सवाल आपसे नेताम साहब पूछना चाहेंगे। इसके पीछे राजनीतिक उपेक्षा एक वजह नजर आती है जिन कारणों को आप गिना रहे हैं, और जैसा आप कह रहे हैं किसी भी राज्य को बना देने भर से काम नहीं चलेगा। अगर उस राज्य का और उनके लोगों का विकास करना है तो संसाधनों से प्रचुर वो क्षेत्र है, लेकिन जो हालत आज उसकी है, क्या आज की परिस्थिति में ये अलग राज्य सर्वाइव कर पाएगा? निश्चित रूप से जब जो उनके नेता हैं वो नेतृत्व करेंगे, नेतृत्व उनके हाथ में जाएगा तो वहाँ का विकास भी होगा, आदिवासियों का शोषण नहीं होगा, संरक्षण मिलेगा और इन सब बातों को जो दूसरे सरकारें इस बात को सोचती नहीं है वहाँ के। चलिए, इन शॉर्ट मतलब अगर वहाँ के लोगों को ही कमान दी जाएगी तो बेहतर होगा। सुनील सोनी जी हमारे साथ में, जो कि बस्तर के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है प्रदेश में। सोनी जी, आपकी क्या राय इस पर, जो जिस समय मांग की जा रही है इसमें एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल गिमिक है, दूसरी तरफ आपने ये बात भी सुन ली कि बस्तर उपेक्षित रहा है और अगर बस्तर के लोग इसको कमान संभालेंगे तो बेहतर होगा। देखिए, छोटे राज्य की कल्पना करना, उसको धरातल पे उतारना, ये काम इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने किया, अटल जी ने किया था। और अब 17 साल हुए हैं भाई केवल छत्तीसगढ़ राज्य बने, और इन 17 सालों के अंदर में जिस प्रकार से कायाकल्प हुआ है बस्तर का, आज जब मध्य प्रदेश में थे वहाँ कोई झांकने नहीं जाता था और नक्सलवाद जो पनपा है उसी कारण से पनपा है। और आज मैं आदिवासी भाई बहनों से यही कहूँगा कि भैया, आज एकजुट होके हमको नक्सल के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं सहमत हूँ नेताम जी की बात से कि मैं तो कहता हूँ कि 90% से ज्यादा लोगों का अगर वहाँ पे रक्त अगर बहा है तो वो हमारे आदिवासी भाई बहनों का बहा है। नहीं, लेकिन वो दो बातें कह रहे हैं सोनी जी, दो बातें कह रहे हैं, क्योंकि चर्चा में सबकी बात शामिल करनी, दो बातें कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल वहां से नहीं रही, वहां के लोगों को प्रतिनिधित्व उतना नहीं मिला जितना उस इलाके के बारे में सोचा जाए और उस इलाके को प्रायोरिटी पर रखकर विकास किया जाए। आप चूंकि रूलिंग पार्टी आपकी लंबे समय से, देखिए मैंने एक चीज कहा, छोटा राज्य बना और छोटे जिले बने, ताकि जो है ये सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर कभी कोई कल्पना नहीं करता था कि ये जिला बन जाएगा। उसके बाद में केदार कश्यप जी है, महेश गागड़ा जी है, सबको वहां पे प्रतिनिधित्व जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि आके जो है हम आदिवासी समाज का जो है वहां पे जो है उनकी समस्याओं का निराकरण करें। अभी जो है सबसे बड़ी मांग जो है नेताम जी ने बताया नहीं, मेरे ख्याल से बाद में बताएंगे कि जो मात्राओं की त्रुटि के आधार पे कई आदिवासी भाई बहनों को जो है
लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो सूची में जुड़ नहीं पा रहे हैं। एक टास्क फोर्स बनाया अभी, उसमें केदार कश्यप जी है, उसमें जुड़वाइए ना साहब आके और जुड़वाइए। आपको मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 6 महीने के अंदर में वो सारे लोगों को लाभ मिलना चालू हो जाएगा। तो आज मूल काम है वहां पर बस्तर के अंदर में विकास। इस मांग को आप इस समय उठी मांग को कैसे देखते हैं? देखिए आज विकास की बात होना चाहिए कि अगर क्या वहाँ पे लोगों को पानी मिल जाए, वहाँ पे लाइट मिल जाए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आए, अच्छी स्कूल कॉलेज खुल रही है और खुलना चाहिए, तो ये इस प्रकार की मांग। और नक्सल से हम किस प्रकार से लड़े, तो ये सबसे पहले हमको नक्सलियों को वहाँ पे समाप्त करना है। लेकिन क्लियर विजन पार्टी का, चूंकि आप प्रभारी, पार्टी का क्लियर विजन इस पर क्या है? क्या सेपरेट राज्य वहाँ आप सही देखते हैं या जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, इसमें आप अपनी मांगों को जोड़ें? देखिए कोई कारण नहीं है कि हम वहाँ पे जो है आज बस्तर को हम राज्य की बात करें, क्योंकि आज इतने समय बाद छोटा राज्य बन चुका है आपके सामने और बस्तर के अंदर विकास हो रहे हैं। जब विकास पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि कहीं कमी होगी कहीं खामी होगी, लेकिन हो रहा है विकास वहां पे। वहां पे ये चिरौंजी और इमली को तौल कर नमक दिया जाता था साहब, तो आज वहां पे नमक मुफ्त में मिल रहा है। मतलब आपकी बातों का ये सार निकालें कि विकास हो रहा है, जो जरूरत है इस तरफ ध्यान है, और इसीलिए छोटे राज्य और जो बन चुका है और केवल 17 साल का है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना चाहिए। ये मांग का कुल मिलाकर आप बहुत समर्थन नहीं करते। मनीष गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, आप तो उस इलाके की समस्याओं को बखूबी देखते आए, लिखते और समझते आए। इस मांग का इस वक्त पर उठना सियासी गिमिक है या वास्तविकता है और धरातल की जरूरत है? अब देखिए इस समय जो छत्तीसगढ़ पृथक बस्तर की जो मांग उठी है, ये निश्चित रूप से एक राजनीतिक कारण ज्यादा दिखाई देता है ये। और जहां तक पृथक बस्तर की मांग है, पृथक बस्तर की मांग ये पहली बार नहीं उठ रही है। जब छत्तीसगढ़ गठन के पूर्व से भी पृथक बस्तर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की समय समय पर मांग उठती रही है, चूंकि आदिवासी इलाका है, आदिवासियों के साथ संवेदनाएं और विकास ये दोनों जुड़ी होते, ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार को उस संवेदनशीलता से लेना चाहिए। आमतौर पर आपको याद होगा जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, नया राज्य बना था 2000 के आसपास, उस समय नक्सलियों ने जो बस्तर के नक्सल प्रभावित सीमाई इलाकों में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली थी और बड़े बड़े आंदोलन किए थे उस समय, जिस पर उन्होंने पृथक बस्तर की मांग की थी। नक्सलियों का तर्क ये था कि बस्तर की जो भाषा संस्कृति और जो यहाँ की शैली है वो शेष छत्तीसगढ़ से अलग है। बस्तर आदिवासी बाहुल्य इलाका है, यहाँ की जो विशिष्टता अलग है, और बस्तर में खनिज संपदा वन संपदा का अकूत भंडार मौजूद है। समय समय पर काफी समय से लोगों की नजरें जो है पूंजीवादियों की नजरें लगी रही हैं कि इस खनिज संपदा और वन संपदा का दोहन किया जाए, और जिस ढंग से छत्तीसगढ़ गठन के बाद आदिवासियों को जिस संवेदनशीलता से मतलब उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए था, नहीं, अब सरकारें सफल नहीं रही हैं। गुप्ता जी दो चीजें इसमें है, पहली चीज इसमें यह है कि समस्याएं हल नहीं हुई, और दूसरा ये कि विल पावर ही नहीं रहा, क्योंकि उस इलाके को और उस इलाके के नेताओं को उतनी तरजीह, उतना मौका, उतना प्रतिनिधित्व प्रतिशत के मामले में मिला नहीं। क्या ज्यादा ठीक है? दोनों पक्ष हैं, क्या दोनों चीजें हैं? देखिए समस्या, सरकारों ने कुछ प्रयास भी किया, लेकिन नक्सलवाद की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं से सरकार के विकास के जो एजेंडे पर हमेशा बाधक रहा है। दूसरी बात यह है कि सरकार का विल पावर भी नहीं रहा है। राजनीतिक दृष्टि से अगर मैं बताऊं आपको कि पिछले जब से भाजपा शासनकाल छत्तीसगढ़ में आया है, उसके बाद बीजेपी के जो लीडरशिप ने बस्तर को लेकर के उतनी तरजीह नहीं दी है। पहले हम जैसे जानते हैं कि बीजेपी में बलिराम कश्यप थे, उनका एक अपना रुतबा था, कांग्रेस में अरविंद नेताम और ये सारे महनकर्मा थे, लेकिन इन दोनों नेताओं के जाने के बाद आज बस्तर में आदिवासी लीडरशिप का वैक्यूम खड़ा हो गया है। आज कोई भी एक ऐसी लीडरशिप खड़ी नहीं हुई है जो संपूर्ण आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करता हो, और जिसके कारण ये लोग अपनी समस्याएं उस नेता के सामने खड़े होकर के या उस नेता की लीडरशिप में आगे आए, जो एक सर्वमान्य। सुनील जी छोटी सी टिप्पणी इस पर चाहूंगा, आप सहमत हैं इस बात से? क्योंकि ये पत्रकार भी मानते हैं, आदिवासी वर्ग के लोग भी मानते हैं, कहीं वैक्यूम आ गया है बड़े नेताओं के जाने के बाद दोनों पार्टियों में। देखिए बड़े नेता बलिराम जी और
कर्मा जी निश्चित तौर पे हमारे बड़े नेता रहे हैं, इसमें खैर कोई दो मत नहीं है, लेकिन शून्यता आई है इस बात को मैं नहीं मानता, क्योंकि वहां पे विकास हो रहा है। वहां पर जिस प्रकार से तेजी के साथ में अगर मैं गिनाना चाहूंगा तो घंटों लग जाएंगे कि वहां पर एक रुपया दो रुपया किलो चावल से, आप सही कह रहे हैं। लेकिन जो दावे आप कर रहे हैं वो कई बार हम सुन चुके हैं, इसके बावजूद ये मांग उठ रहे हैं। तो अलग बस्तर की मांग उठी है। अरविंद नेताम जी, वरिष्ठ आदिवासी नेता, भी हमारे साथ में जुड़ गए, जिन्होंने इस मांग को मुकर किया है। सोन पुटाई जी के साथ इन्होंने इस मांग को एक साथ उठाया और एक स्वर में इस मांग के सामने आने के बाद में कुछ सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अरविंद नेताम जी, स्वागत है आपका चर्चा में। पहला सवाल तो यही है कि इस मांग को इस वक्त उठाने का क्या औचित्य, क्या इसकी जरूरत आन पड़ी? धन्यवाद। देखिए, ये जो मांग है कोई शौक से नहीं है जी, जो समस्याएं हैं बस्तर में है, जैसे 6 तारीख को बंद किया गया था, 15 तारीख को चक्कर जाम के, आखिर कोई ना कोई कारण तो होगा, और शासन प्रशासन को कोई संज्ञान में लेके किया गया है, और कोई ये नई मांग नहीं है, कहीं ना कहीं बस्तर में इस प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं और आदिवासी समाज उससे परेशान है, तो आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। और सर्व आदिवासी समाज ने बहुत सोची समझे फैसला करके, भाई अगर इनका निराकरण नहीं हुआ तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये मांग उठेगी, अभी भी उठेगी, भविष्य में भी उठेगी। नेताम साहब, एक यहाँ पर चिंता ये भी उभरती है कि नक्सलवाद से जूझते बस्तर में एक तरफ नक्सली फोर्स है, दूसरी तरफ धर्मांतरण कराने वाली एक फोर्स है, क्या ये दोनों उस नए राज्य जिसकी परिकल्पना पर आप बात कर रहे हैं, जो साइड इफेक्ट के तौर पर हम जिनकी बात कर रहे हैं कि अगर ये राज्य बना अलग से तो कहीं वो हावी ना हो जाए, फिर से एक बार आदिवासी आशय पर ना चले जाए, उसकी ज़्यादा चिंता नहीं है इस समय? देखिए, सवाल है कि इस समस्या के बारे में मेरी अपना ये अनुभव है, देखिए ये समस्या को, नक्सली समस्या को कारणों पे आज तक इस देश में गया नहीं है, ठीक है, विचार नहीं किया गया है जी, केवल जब कोई घटना होती है तब सरकार हरकत में आती है, ये है, पर आज से नहीं, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि नक्सली समस्या पैदा क्यों हुई, कारणों पे तो जाइए, जब कारणों पे जाइए तो बहुत सी चीज सामने आ जाएगी और कोई भी सरकार को इसका निदान करने का एक मौका मिलेगा। उसमें सबसे बड़ी समस्या शिक्षा के प्रचार प्रसार का है, दूसरा स्वास्थ्य की समस्या है, तीसरा यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों को यानी जो फूड सिक्योरिटी की समस्या है, ये तीन समस्या का कहीं निदान हो गया तो ये जो समस्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है, पर आज तक के इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ है। और मैंने जितना पुस्तकें नक्सली समस्या पे लिखा जो गए हैं पढ़ा हूँ, उसमें या तो रिटायर्ड पुलिस वाला लिखा है, या तो जर्नलिस्ट लिखा है, या सोशल एक्टिविस्ट लिखा है। चलिए, कुल मिलाकर जो हमारे साथ में आदिवासी नेता अरविंद नेताम साहब जुड़े थे, उनका ये वर्जन सामने आया कि इस समस्या पर कभी संजीदगी से ध्यान ही नहीं दिया गया, इस समस्या को और इसके मूल में जाकर जो जड़ में तथ्य थे उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। 17 वर्ष इस राज्य को बने हुए हो गए लगन, लेकिन अगर फिर भी एक इलाका अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए वो ये मांग उठा रहे हैं और ये नई नहीं है, हाँ इस वक्त उठाई जा रही है और इसमें जो राजनीतिक एंगल ढूंढा जा रहा है इस पर भी बात करनी है, जो कि साइड इफेक्ट में से एक प्रमुख बिंदु हो सकते हैं। हमारे साथ में जो मेहमान बने हुए हैं मनीष जी, अब सीधा सवाल आपसे कि आप उस इलाके को देखते हैं, एक तरफ ये बात है कि वहां की समस्याओं को और उसके मूल को, उसकी जड़ को समझने की कोशिश नहीं हुई, लेकिन हम साइड इफेक्ट की भी बात करें, अगर ये राज्य अस्तित्व में आता है, एक तरफ नक्सलवाद का फोर्स और एक तरफ धर्मांतरण का, ये दोनों चिंताएं कहीं उस इलाके में फिर से ज्यादा नुकसानदायक साबित तो नहीं होंगी? बहुत वाजिब सवाल है आपका, और हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के पहले धर्मांतरण का बहुत विरोध करती थी, लेकिन अगर आज आप आंकड़े उठा करके देखें तो 14-15 साल के शासनकाल में बस्तर में इतना भयंकर धर्मांतरण हुआ है जिसको लेकर के पार्टी के नेता
अपनी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। दूसरी बात जो नक्सलवाद से संबंधित है, ये नक्सल प्रभावित इलाका है, नक्सलियों का लिबरेटेड जोन कहलाता है। इस इलाके में नक्सलवाद जो है सिर्फ बंदूक, नक्सलियों को सिर्फ बंदूक के सिंबल पे ही नहीं आप देख सकते, उनकी अपनी विचारधारा, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी को नहीं मानती, ये अलगाववाद और पृथकतावादी दिशा में आगे बढ़ती है। इसलिए जो वहां की समस्याएं हैं और जिस ढंग से नक्सलवाद का विस्तार हुआ है, नक्सलवाद को हल करने की कोशिश की गई है सरकारों के द्वारा, ये इसको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा, सिर्फ पुलिस की समस्या मान करके, सिर्फ बंदूक की गोली से इसका हल करने की कोशिश की गई है। बस छत्तीसगढ़ की बात करें या देश की बात करें, ये गांधी और विनोबा का देश, जहां पर अहिंसात्मक आंदोलन के द्वारा ये देश आजादी को प्राप्त किया है, आज इस समस्या के लिए बातचीत को किसी इशू पे नहीं लिया जा रहा है। चलिए, ये एक अच्छा पॉइंट आपने दिया सुनील जी, बातचीत को तरजीह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो दो साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, धर्मांतरण पर अब खामोशी क्यों? सबसे ज्यादा धर्मांतरण उस इलाके में हो रहा है। तो देखिए, मैं दो चीजें कहूंगा। एक, धर्मांतरण की जो आप बात कर रहे हैं मनीष जी, हमारे बहुत सारे तंत्र जो है उसको, धर्मांतरण को रोकने के लिए वहां पे बहुत ही प्रभावशाली काम कर रहे हैं भाई। नहीं तो अभी तक के वहां पे जितने धर्मांतरण हो जाते, आप उसकी चिंता नहीं कर सकते थे। और ये धर्मांतरण लालच के कारण होते हैं, और इसीलिए सरकार ने इस नब्ज को पकड़ा, और पकड़ने के बाद में कि हमारा आदिवासी भाई जो भोला भाला है, उसको जो है उसकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। बात है, ठीक, और उसकी पूर्ति, उसकी पूर्ति जो है वो सरकार के माध्यम से हो रही है। वक्त बहुत कम है, जो नेताम साहब, नेताम साहब के पास जाता हूं। नेताम साहब, इनसे कैसे निपटेंगे? एक तरफ लालच, दूसरी तरफ भय नक्सलियों का, कैसे निपटेंगे? क्योंकि अभी आज 17 सालों में इसका कोई हल नहीं मिल पाया, अलग होके कैसे निपटेंगे? चिंता तो है। अभी लालच तो है, उनकी गरीबी, अशिक्षा, ये सब कारण है उनके। तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए किसी भी, माने जैसे धर्मांतरण लालच के वशीभूत होकर के कर लेते हैं, वैसे ही पार्टी वाले भी, राजनीतिक पार्टी वाले भी इसका लाभ उठाते हैं, उनके इसी लालच के, लालच दे करके। अब ये क्या है, पहले जो शोषण के खिलाफ नक्सलियों का प्रवेश इसलिए हुआ क्योंकि गरीब किसान आदिवासी उनकी जमीनें छीनी जा रही थी। चलिए, तो फिर आप मूल सवाल जी, जी गुप्ता जी, एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ गठन के पहले अकेले बस्तर जिले की बात कर रहा हूँ, 57 क्रिश्चियन मिशनरियों की संस्थाएं रजिस्टर्ड थी, और अभी एक महीने पहले तक इन संस्थाओं की जो संख्या 350 को पार कर गई है। ये गंभीर इशू है। अभी जो सोनी जी बोल रहे थे कि हमारी संस्थाएं लगातार लगी है रोकने के लिए, आंकड़े कुछ बोलते हैं और दावे कुछ होते हैं इसमें। चलिए, तो जरूरत इन्हीं आंकड़ों और दावों के बीच की हकीकत को टटोलने की है, जमीन पर जाकर देखने की है। क्योंकि कोई अलग जाकर के अपनी अस्तित्व को खोजने की बात अगर करता है तो कुछ शिकायतें होंगी, कुछ अनसुने मुद्दे होंगे, लेकिन अनसुनों मुद्दों को या इन शिकायतों को दूर करने का हल एक नया राज्य दे सकता है। इस पर सबकी अलग अलग राय हमेशा रही है, जब भी किसी स्वतंत्र राज्य की बात हुई है। आगे जाकर के एक बात तो तय लगती है कि अगर ये मांग जोर पकड़ती, बड़ा आंदोलन होता है, तो राज्य को और उस इलाके को, दोनों को फायदा कम नुकसान ज्यादा प्रतीत होता है। ये आज की परिस्थिति में हम बात कर रहे हैं। नजर हमारी इस पर बनी रहेगी। आप चार लोगों का शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, भी बातचीत करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।